वहीं पानीपत में बीएसपी के जिला अध्यक्ष ने अपने पदाधिकारियों के साथ आज भगवा झंडा थाम लिया है। एक दशक तक बीएसपी के साथ जुड़े रहे सतबीर पांचाल ने बीएसपी को अलविदा कह दिया है। साथ ही वो अपने साथियों के साथ बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, हरियाणा में विपक्ष मुक्त प्रदेश होने लगा है। सोमवार को पानीपत में बीएसपी के कदावर नेता समेत कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने इन्हें पटका पहनाकर इन पर भाजपाई रंग चढ़ा दिया। जो हिंदुस्तान है विपक्ष मुक्त हो जाएगा। आप देखिएगा, इस बार किसी भी विपक्षी के पार्टी के पास कोई भी मजबूत कार्यकर्ता ही नहीं होगा। लोगों की निष्ठा, लोगों का विश्वास जो है मनोहर सरकार में, मोदी सरकार में है, और इसी का नतीजा है कि आज हमारे बीच में सतबीर पंचाल जी आज ज्वाइन किया इन्होंने। बीएसपी के जिला स्तरीय पदाधिकारी का कहना है कि वो बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर एक दशक बाद बीएसपी छोड़ रहे हैं, यानी कई बीएसपी वाले अब बीजेपी वाले हो गए हैं। देश की मजबूरी है, बीजेपी जरूरी है, और देश के साथ हम भी आज बीजेपी में आज आदरणीय विज साहब ने मुझे ज्वाइन कराया है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी कार्यालय के अंदर संगठन के लिए जहाँ भी जिस प्रकार से भी, चाहे बूथ लेवल पे कहीं भी हमारी ड्यूटी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लगाएंगे, हम दिन रात पार्टी के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस एकजुट होने में जितना देरी कर रही है, बीजेपी उतनी मजबूत हो रही है। सही बात है, जब अच्छा वक्त आता है तो विरोधी भी समर्थक होने लगते हैं। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।